हाय, आई एम अब्बास फ्रॉम नूर स्पोर्ट एंड फिटनेस से। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बेल्ट किस तरह लुब्रिकेट किया जाता है और उसे स्प्रे और ऑयल के बारे में। आइए हम आपको बताते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि स्टेडमिल को और बेल्ट को किस तरह ऑयलिंग और लुब्रिकेट किया जाता है। सबसे पहला तरीका ये है, आपको एक कपड़ा लेना है। इस कपड़े को यहाँ से यहाँ तक आपको डालना है। इस तरीके को डालने के बाद देखिए, इस तरीके से आपको डालना है। फिर थोड़ा आपको इस तरीके से साफ कर लेना, थोड़ा ज़्यादा तान नहीं, थोड़ा पैर लूज रहना चाहिए आपको। फिर इसके बाद ये पैर, अगर आप चाहें तो ये पैर ऐसा रख के तरीके से पैर रख दिया जाता है और से मशीन को ऑन किया जाता है। मशीन को एक से दो मिनट तक चालू रखना है। इस तरीके से भी साफ किया जाता है मशीन को। उसके बाद मशीन को स्टाफ करने के बाद ये कपड़ा निकाल लीजिए और उसके बाद ऑयलिंग कीजिए। लुब्रिकेट का एक स्प्रे होता है, ये स्प्रे है। इसे हम तरीके से, ये स्प्रे हमारे उधर मिलता है और इस स्प्रे को इस तरीके से खोल लिया जाएगा। फिर इसको शेक किया जाता है। फिर इसे बीच में ऐसा थोड़ा बीच में इस तरीके से मारा जाता है और दूसरी टाइम इस तरीके से सेंटर में रख के स्प्रे मारा जाता है। देखिए, ये स्प्रे है, ये हो गया। ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि मशीन जब इससे हमारे बेल्ट की लाइफ होती है लंबी हो जाती है, इसमें स्केचेस नहीं आते हैं, इससे बेल्ट की लाइफ लंबी हो जाती है। और प्लस इसमें चालू करने के बाद थोड़ा सा चलिए, चलने के बाद, थोड़ी देर चलने के बाद आप इसे जितनी डस्टिंग है ये साइड से आ जाती है, डस्टिंग को इस तरीके से साफ किया जाता है। ये देखिए, ये पूरा क्लीन हो जाता है, इसके बाद थोड़ा साफ हो जाता है। ठीक है, हमारे पास ये सिलिकॉन ऑयल भी है, इससे भी लुब्रिकेट किया जाता है। ये देखिए किस तरीके से किया जाता है। ये हमारे पास ऑयल रिफिलर है, इसे थोड़ा सा ऑयल इसके सेंटर में ऐसा डाल लिया जाता है। देखिए, ये ऐसा डाल दिया और उसके बाद हम इसे ऐसा पकड़ के बेल्ट के नीचे डाल दिया जाएगा और इसको इस तरीके से घुमा दिया जाता है। तो जितना ऑयल है थोड़ा इस तरह ये लुब्रिकेट हो चुका है। ये देखिए, ये हमारा स्प्रे और जेल है। अगर ये आपको चाहिए तो फेसबुक के पेज पे इसकी डिटेल दी गई है।